अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओलेमन एजुकेशन। तो आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं न्यू कोर्स थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। ये कोर्स मैं इसकी एक वीडियो पहले से अपलोड कर चुका था चैनल पे, लेकिन ये वीडियो को मैं री अपलोड करने वाला हूँ दोबारा से रिकॉर्ड करके, बिकॉज वो जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसको मैंने जो है खुद से कैमरा से सॉल्व, यानी कैमरा लगा के जो है उसको पेपर पर सॉल्व किया था, जिसमें कुछ फोकस के इशूज़ आ रहे थे जो कि हमारे डेटाबेस वाली वीडियोस में भी कुछ वीडियोस में आ रहे थे, जो कि मैंने वापस री रिकॉर्ड की थी और फिर वापस री अपलोड की थी। तो इसी तरह ये हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का जो क्लीन और एक्सटेंडेड क्लीन वाला जो टॉपिक है वो हम दोबारा से कवर करने वाले हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। तो इस कोर्स में थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हम काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे कि DFA क्या होता है, NFA क्या होता है, DFA मिनिमाइजेशंस क्या होती हैं, मीले मूरे मशीन्स क्या होती हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा का क्या होता है और ट्यूरिंग मशीन्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा है लेक्चर 1, तो जिसमें हम कवर करेंगे दो टॉपिक, क्लीन और एक्सटेंडेड क्लीन। तो क्लीन और एक्सटेंडेड क्लीन क्या होता है? क्लीन और एक्सटेंडेड क्लीन इज जस्ट लाइक आपका एक लैंग्वेज डिफाइन करने, जब आप किसी ऑटोमेटा में जब आप किसी लैंग्वेज, आपको एक लैंग्वेज दी हुई होती है और उसमें आप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वगैरह, तो क्लीन और एक्सटेंडेड क्लीन भी एक टाइप के ऑपरेशंस होते हैं जो आपकी लैंग्वेज में परफॉर्म होते हैं, और वो आपकी लैंग्वेज पे क्या इफेक्ट करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो है आप कंसिडर करें कि आपके पास एक लैंग्वेज डिफाइन है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सामने ली हुई है, हमारे पास एक एस नाम की ये लैंग्वेज का वेरिएबल है जिसमें हमारे को एक लैंग्वेज दी हुई है ए। तो हमारे पास जो है कर्ली ब्रैकेट्स में ए गिवन है, तो और हमें क्या कहा गया है कि इसका जो है आपको एस क्लीन के कैलकुलेट करना है। तो जब आपके पास कोई लैंग्वेज डिफाइन होती है और उसके ऊपर जब आप स्टेरिक का साइन लगा देते हैं, स्टेरिक का साइन ये शो करता है कि आप इस लैंग्वेज का क्लीन निकालने वाले हैं। तो क्लीन इसका किस तरह निकलता है? तो क्लीन निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना होगा, एक कर्ली ब्रैकेट में आपको ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखने होंगे ए के, यानी जो आपकी लैंग्वेज गिवन है, लैंग्वेज के अंदर आपके जो जो कैरेक्टर्स गिवन है उसके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग लैम्डा। लैम्डा आपके शुरू में आता है, लैम्डा आपका रिप्रेजेंट करता है नल को, यानी इस तरह इसमें आपका हो सकता है लैंग्वेज जब आप लिख रहे हो तो उसमें कुछ भी ना आए। तो क्लीन में ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ए, अगर आपको लैंग्वेज में गिवन है तो ए लिखना ही होगा। तो कभी भी कभी ये होता है कि लैम्डा भी आ जाता है, ए भी आ जाता है, डबल ए भी, तो स्टेरिक में हर वो कॉम्बिनेशन आ जाएगा लैंग्वेज का। तो ए का आपके क्या क्या कॉम्बिनेशन आ सकते हैं कि आपका जो है लैम्डा आ सकता है, सिंगल ए आ सकता है, डबल ए आ सकता है, ट्रिपल, 4, 5, 6, 7, ये जाएगा आपका ए की पावर एन तक, जहाँ तक नंबर है, फिर ए की पावर एन, फिर आप उसमें एक एक प्लस करते रहें जब तक ए इन्फिनिटी तक। तो ये आपका जब तक आपने कोई रूल्स नहीं बताए हुए, कोई रूल्स नहीं बताए हुए कि आपको 4 characters तक चाहिए, 5 characters तक चाहिए, तो ये आपके इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। तो क्लीन में आपका तो सिंपल इसकी एक लाइन में अगर मैं क्लीन के डिस्क्रिप्शन लिखूं तो वो होती है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ए इन इंक्लूडिंग लैम्डा। यानी इस लैंग्वेज के लिए हमारी एक लाइन की डिस्क्रिप्शन सिंपल ये होगी कि हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा ए का इंक्लूडिंग लैम्डा। तो इसी के साथ इसकी एक और एग्जांपल हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं दो कैरेक्टर्स के साथ। अब हमने दो अल्फाबेट्स लिए हैं, दो वर्ड्स लिए हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर ए और बी। तो आपकी लैंग्वेज के अंदर ही जो वर्ड्स दिए जाते हैं इसको वर्ड्स कहा जाता है, अल्फा जो आपको कर्ली ब्रैकेट्स में गिवन होते हैं। अब हमें क्या गिवन डैट कि इसका भी हमें एस क्लीन मालूम करना है। तो अब इसका भी एस क्लीन अब कैसे निकलेगा, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले आप वही कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, सबसे पहले आपका लैम्डा आएगा, फिर ए, फिर आप जो है सिंगल बिट्स के हिसाब से लें कि पहले सिंगल वाले आपके कॉम्बिनेशन जितने भी बन सकते हैं वो बनाएं, फिर डबल में जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो बनाएं, फिर ट्रिपल, फिर 4, 5, जितने आपको अगर कोई रूल डिफाइन है कि कहाँ तक रुकना है। कभी कभी क्या होता है आपको सवाल में बता दिया जाता है कि आपको 4 letters तक जाना है, 5 letters तक जाना है या कितने लेटर्स तक जाना है। अगर आपको सवाल में गिवन नहीं है और अगर आपको बोला गया ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाओ, तो आप इस तरह बनाते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक लैम्डा लिया, फिर हम लैम्डा आपके शुरू में आएगा ही आएगा जब भी क्लीन की बात होगी, और हमने फिर क्या किया, सिंगल वाले कॉम्बिनेशंस बनाए जो कि दो अल्फाबेट्स थे, दो वर्ड्स थे, तो सिंपल ए और बी आ गया। फिर हमने डबल डबल जितने भी कॉम्बिनेशंस हो सके, डबल ए, डबल बी, ए बी, बी ए, फिर हमने ट्रिपल वाले कॉम्बिनेशन, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, डबल ए बी, ए बी ए, और भी इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। और फिर ये कहाँ तक जाएगा, ए की पावर एन और बी की पावर एन, जस्ट लाइक हमने अभी ऊपर देखा।
और ए की पावर एन प्लस वन, बी प्लस एन प्लस वन, और फिर ये ए इन्फिनिटी बी इन्फिनिटी तक जाएगा अगर आपका कोई रूल डिफाइन नहीं है कि आपको कहाँ जाके स्टॉप करना है। तो इसके भी अगर इस सवाल का भी हम एक लाइन में डिस्क्रिप्शन देखें तो वो क्या होगी, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी इंक्लूडिंग लैम्डा। हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना दो ए और बी का, जो भी हो सकता है कॉम्बिनेशन बना दो इंक्लूडिंग लैम्डा, तो वो आपका होगा क्लीन। होपफुली आपको ये क्लीन का समझ आ गया होगा। अब आगे फर्दर ये क्लीन और कहाँ यूज होता है वो हम देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लीन का बेस इतना ही था। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है एक्सटेंडेड क्लीन। अब एक्सटेंडेड क्लीन आपका रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस के साइन से, हालांकि क्लीन हमारा रिप्रेजेंट होता था स्टेरिक के साइन से, मल्टीप्लाई का जो साइन होता है। इस पे भी हम एक कंसिडर कर लेते हैं, लैंग्वेज हमारे पास एक वर्ड की दी हुई है ए, और हमें बोला गया है कि इसका आपको निकालना है एक्सटेंडेड क्लीन। अब एक्सटेंडेड क्लीन और क्लीन में क्या फ़र्क है वो देखते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटेंडेड क्लीन हम निकाल रहे हैं, उसमें हमने लिया है सिंगल ए, फिर हम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एक बात नोट की हो, हमने यहाँ पे शुरू में लैम्डा नहीं लिया, तो एक्सटेंडेड क्लीन और क्लीन में सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है, इसमें भी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं लेकिन इसमें लैम्डा को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, लैम्डा इसमें इक्वल नहीं, लैम्डा शामिल ही नहीं होता। तो यानी एक्सटेंडेड क्लीन की जब भी बात होगी तो एक ना एक अल्फ़ाबेट आपको लेना ही होगा, या तो वो एक दफ़ा है, या तो वो दो दफ़ा है, या तीन दफ़ा है, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर आएगा। ये नहीं हो सकता कि आप वो जगह खाली छोड़ें। ठीक, तो इसका हमारे पास ए वन लाइन डिस्क्रिप्शन एक्सटेंडेड क्लीन की इस एग्जांपल की क्या होगी, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ए एक्सक्लूडिंग लैम्डा। हर ए का कॉम्बिनेशन बना दो इन्फिनिटी तक, बस उसमें से लैम्डा हटा दो, तो आपका एक्सटेंडेड क्लीन बन जाएगा। तो एक्सटेंडेड क्लीन और क्लीन में खाली इतना ही फ़र्क होता है। तो दूसरी एग्जांपल जो हमने क्लीन में ली थी वही हम एग्जांपल एक्सटेंडेड क्लीन में भी लेते हैं। हमारे को लैंग्वेज दी हुई है दो वर्ड्स की, ए और बी की, और हमें बोला गया है कि इसका आपको एक्सटेंडेड क्लीन निकालना है। तो इसका भी एक्सटेंडेड क्लीन उसी तरह निकलेगा जिस तरह हमने क्लीन का निकाला था, बस इसमें से भी हमारा लैम्डा हम एक्सक्लूड कर देंगे। पहले सिंगल जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो बनाएंगे, फिर हमारे पास डबल जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो बनाएंगे, ए ए बी बी ए बी बी ए, और फिर हमारे पास ट्रिपल कॉम्बिनेशन जो जो बन सकते हैं, ट्रिपल ए ट्रिपल बी डबल ए बी ए बी ए, और फिर हमारा ये जाएगा ए की पावर एन और बी की पावर एन तक, और फिर ए की पावर एन प्लस वन बी की पावर एन प्लस वन, और फिर ए इन्फिनिटी बी इन्फिनिटी, जैसे कि हमने पीछे क्लीन में बनाया था। अब अगर इस वाले एग्जाम्पल का भी हम वन लाइन डिस्क्रिप्शन लिखें तो क्या होगा, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी एक्सक्लूडिंग लैम्डा। तो क्लीन और एक्सटेंडेड क्लीन में बस इसी का तरह का फ़र्क है कि उसमें लैम्डा इंक्लूड होता है क्लीन में, और एक्सटेंडेड क्लीन में लैम्डा इंक्लूड नहीं होता, उसमें स्टेरिक का साइन यूज़ होता है, इसमें प्लस का साइन यूज़ होता है, बस इतना ही फ़र्क है इन दोनों में। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के जो हमारे आगे इस्तेमाल हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाती है लेक्चर वन की। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे आगे, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं सॉल्व जो कि मैंने एक बुक से उठाई थी। Consider the language S clean, where S is equals to AB, BA. Write out all the words in S clean that have even 7 or fewer letters. Can any word in this language contain the substrings AAA or BBB? अब सवाल समझें क्या कह रहा है कि हमें एक लैंग्वेज दी हुई है जिसमें दो वर्ड्स हैं AB और BA, और हमें उसका निकालना है क्लीन निकालना है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें जाना है 7 और उसके फ्यूअर तक। अब देखें इसने यहाँ पर हमें लिमिट दे दी है कि 7 से ऊपर नहीं जाना है, आपको 7 और उससे नीचे के बनाने सारे कॉम्बिनेशंस, और ये बताना है कि उस कॉम्बिनेशन में क्या आपकी कोई सब स्ट्रिंग AAA और BBB साथ AAA और BBB आ रही है या नहीं, यानी 3 ए और 3 बी एक साथ आ रहे हैं या नहीं, तो वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं इसका क्लीन वर्जन। तो एस क्लीन हमारे पास लैम्डा होगा, ए बी और बी ए। अब आपके पास इसके कॉम्बिनेशंस खाली यही बन सकते हैं, 2 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, और 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ऑड वाले 3, 5, 1 और 7 आपके इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो लैंग्वेज गिवन है वो दो वर्ड्स की है, लेकिन ये हमारे ए बी और बी है आपस में दोनों कंबाइन हुए हैं, ए यहाँ पे बी के साथ हुआ हुआ है, बी यहाँ पे ए के साथ हुआ हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे तोड़ तोड़ के वर्ड्स नहीं बना सकते कि ए को बी के साथ जोड़ के एक अकेला बी, अगर आपने चाह के दूसरे वाले से खाली बी ले लूँ ऐसा नहीं होगा, ये पूरा एक वर्ड है। तो ए बी और बी ए आपका सिंगल सिंगल करेक्टर बन गया एक,
और दो वर्ड्स का बन गया अगर आप इसको टू करेक्टर्स देखो, वरना है ये एक ही वर्ड। और फिर हमने इसका कॉम्बिनेशन बना दिया ए बी का बी के बी ए के साथ, और एक दफ़ा बी ए का ए बी के साथ, तो ए बी का ए बी के साथ ही, बी ए का बी ए के साथ ही, तो ये चार कॉम्बिनेशन बन गए। और सिक्स अल्फ़ाबेट्स के फिर आपके सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ऑड नंबर, और क्योंकि ये हमारे इवन दिए हुए हैं, दो दो अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, तो हमारा इसमें ऑड नंबर्स वाले बन ही नहीं सकते, तीन और पाँच और एक और सात। तो इसलिए उन्होंने बोला था सात से फ्यूअर लेटर्स के आपको जो है वर्ड्स निकालने हैं। तो हमारे पास टू वाले कॉम्बिनेशन के आ गए, फोर वाले आ गए और सिक्स वाले आ गए। अब दूसरे सवाल में इन्होंने क्या बोला है, हमें दूसरे पार्ट में बोला है कि चेक करो क्या कोई ऐसा वर्ड है। अब आपका ये जो एक एक लिखा हुआ कॉमा में ना, ये आपका एक एक वर्ड है। लैम्डा एक वर्ड हो गया, ए बी एक वर्ड हो गया, बी ए एक वर्ड हो गया, ए बी बी ए एक वर्ड हो गया। अब इस वर्ड में, हर एक वर्ड में चेक करो क्या कोई ऐसी सब स्ट्रिंग है कि जिसमें ट्रिपल ए या ट्रिपल बी आ रहा हो। तो हम अगर हम शुरू से देखें यहाँ पर, तो सिंगल ए सिंगल बी है, यहाँ पर देखें डबल बी आ रहा है, डबल बी तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो ट्रिपल ए और ट्रिपल बी कहीं भी नहीं आ रहा, बीच में गैप आ रहा है। ये देखें यहाँ पर दो बी एक साथ है लेकिन बीच में ए आ गया, तो इसलिए ये अलग हो गया। अगर यहाँ पे ए नहीं होता तो हमारे तीन बी एक साथ हो जाते, क्योंकि हमारे को लैंग्वेज ही इसी तरीके की दी हुई है, ए बी और बी ए, जब हम इनको साथ जोड़ेंगे तो वो ट्रिपल बन ही नहीं सकते। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी लैंग्वेज में हमारे पास ट्रिपल ए और ट्रिपल बी नहीं बन रहा। तो इसका आंसर क्या होगा, नो वर्ड्स कैन कंटेन ट्रिपल ए और ट्रिपल बी बिकॉज एवरी ए एंड बी इज फॉलोड बाय डिफरेंट लेटर, सो देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ टू ए और टू और टू बी। तो मैंने क्या लिखा है कि इसमें से कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें जो है हमारे पास ट्रिपल ए आ रहा हो और ट्रिपल बी आ रहा हो, क्योंकि हर ए और बी जो है दूसरे अल्फ़ाबेट को फॉलो कर रहा है, डिफरेंट अल्फ़ाबेट को। जैसे आपको लैंग्वेज में दिख रहा होगा कि ए को बी, ए को फॉलो कर रहा है, यहाँ पर ए बी को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए दोनों अलग अलग अल्फ़ाबेट हैं। जब आप इनको मर्ज करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आपको टू ए और टू बी का दिखेगा, ट्रिपल नहीं दिख सकते। जैसे कि हम लैंग्वेज में देख सकते हैं यहाँ पे दो ए हैं, यहाँ पे दो बी हैं, तो आपको समझ आ गया होगा मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए बस ये कॉन्सेप्ट था क्लीन और एक्सटेंडेड के लिए। बकिया टॉपिक्स जो है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जब कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।